राहुल यात्रा उनके जिले में किस तारीख को पहुंच रही है ताकि वो इस यात्रा से जुड़ सके। और जो बेरोजगारी एक राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है, मैं अक्सर कहता हूँ, और बिहार उसकी राजधानी है, बेरोजगारी के खिलाफ कुछ सार्थक सकारात्मक समाधान की दिशा में ले जाने की जो कोशिश है उसमें बिहार के नागरिक अपनी भूमिका निभा सकते। तो 16 अगस्त से शुरू होने के बाद 17 अगस्त को हम बेतिया में होंगे, 18 अगस्त को सीतामढ़ी, 19 अगस्त को मुजफ्फरपुर, फिर दरभंगा सहरसा होते हुए हम 24 अगस्त को सुपौल जिले में पहुंचेंगे, 25 अगस्त को मधेपुरा में, किस्मत से जिस दिन हम मधेपुरा पहुंच रहे हैं उसी दिन स्वर्गीय बीपी मंडल की जयंती भी, और उसी दिन हम मधेपुरा में, 26 अगस्त को अररिया, फिर किशनगंज, फिर पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया, बक्सर, आरा, गोपालगंज, सीवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, और 23 सितंबर को पटना। तो ये है जो यात्रा का पूरा रूट मैप है, पूरा का पूरा विवरण, किस किस दिन हम कहाँ होंगे, ये आपको प्रेस रिलीज के जरिए भी इसकी विस्तृत सूचना मिल जाएगी, तो आप उसको और बेहतर ढंग से उसको बता पाएंगे, अपने दर्शकों तक, अपने पाठकों तक इस बात को पहुँचा पाएंगे, जो दूर में सवाल होना चाहिए और कईयों के मन में है। और पिछले 10-15 दिन में जब से इस यात्रा की घोषणा हमने की तब से कईयों ने हमसे भी ये सवाल पूछा कि आप यात्रा तो कर रहे हैं, लोगों के बीच तो जा रहे हैं, लोगों से बात क्या करें, आपका प्रस्ताव क्या है, आप क्या किस बात को लेकर जा रहे हैं, क्या हम सिर्फ सरकार की जो नाकामी है, वादा खिलाफी है, सरकार की जो कमियां हैं सिर्फ उस पर हल्ला बोल कर रहे हैं हल्ला बोल यात्रा में, या हम समाधान भी बता रहे हैं कि जो समस्या है, जो संकट है, उसका क्या समाधान है, सरकार नहीं कर रही है तो सरकार पर किस समाधान के लिए दबाव बनाया जाए, उसका ठोस प्रस्ताव आज हम आपके समक्ष इस प्रेस वार्ता में पेश कर रहे हैं। वो प्रस्ताव जो हमारा मानना है कि इस वक्त देश में बेरोजगारी के संकट को मिटाने में सहायक हो, यह है वो प्रस्ताव जिसका नाम है भारत रोजगार संहिता। ये इस यात्रा के लिए 2-फोल्ड डॉक्यूमेंट है, 4 पन्ने का, जो पूरी यात्रा में जो लोग भी यात्रा के संपर्क में आएंगे उन सबसे साझा भी किया जाएगा। इसके तीसरे पन्ने पर वो समाधान है जो आज हम अनवील कर रहे हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, भारत रोजगार संहिता। इसका मतलब भरोसा, भरोसा हमें सरकार से क्या चाहिए, भरोसा चाहिए, भारत रोजगार संहिता चाहिए। मुख्य रूप से ये 3 बिंदुओं पे को हाईलाइट करता है ये संहिता। अब हमारा ये कहना है, जो कि हमने पिछली प्रेस वार्ता में भी कहा, कि इस वक्त जिस नीति के अंतर्गत ये देश चल रहा है, जिसको मैं मोडानीकरण की नीति कहता हूँ, तो हमने कहा है कि युवाओं को मोडानीकरण का झांसा नहीं, बेहतर भविष्य का भरोसा चाहिए, और जो बेहतर भविष्य का भरोसा है वो है ये भारत रोजगार संहिता।